सभी को जय मसीह की जीजस वॉइस रिविजन में आप सभी का स्वागत है। आज इंडिया में यीशु मसीह पर विश्वास करना कितना ही मुश्किल हो गया है, और जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं उनके ऊपर सताव होता है। इंडिया का कानून कहता है कि आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं और किसी भी धर्म का प्रचार कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आज बड़ी संख्या में मसीहों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, सताव हो रहा है, कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है, लेकिन दिन प्रतिदिन ये सताव और भी बढ़ रहे हैं। तो मेरे प्रियो, ये जो घटना है वो मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले की है। 11 क्रिश्चियन को बेरहमी से उनको पीटा जाता है और 4 लोगों की हालत बहुत ही गंभीर है और उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये घटना अभी की है, मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले के नादी गांव की है। जिस गांव में 15 परिवार मसीह पर विश्वास करते हैं, लेकिन 15 अगस्त को मसीही विरोधियों ने उन पर हमला कर दिया और उनको बेरहमी से पीटा। किचन न्यूज के अनुसार जो गांव का प्रधान था उसने 4 बजे एक मीटिंग बुलाई और पहले से ही वहां पर लगभग 250 लोग उपस्थित थे, और उसके बाद प्रधान ने उनको फोन करके उस सभा में बुलाया, और सभा में बुलाने के बाद प्रधान ने कहा कि तुम यीशु मसीह को छोड़ दो, नहीं तो गांव को छोड़ दो। 11 क्रिश्चियन लोग थे, उन्होंने यीशु मसीह को छोड़ने से इनकार किया। उसके बाद जो 250 लोगों की जो भीड़ थी वो उन पर टूट पड़ती है, और सबसे पहले उनको बांधा गया और उनके बाद उनको डंडों से पीटा गया और बेरहमी से पीटा गया, और 4 लोगों की हालत बहुत ही गंभीर है, वो अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और पुलिस को उसकी रिपोर्ट करी तो पुलिस ने कोई भी कार्रवाई नहीं की। बड़वानी के अदनादी गांव में लगभग 15 मसीह परिवार रहते हैं जो कि 20 साल से मसीह में थे। वो मसीह में आने के बाद ही विरोध शुरू हो गया था, लेकिन जो 15 अगस्त को जो विरोध हुआ जिसके कारण से जो 15 परिवार थे वो बिखर गए हैं। तो हमें बड़वानी के अनादि गांव के लिए प्रार्थना करना है, जहां पर 15 परिवार रहते हैं, परमेश्वर उनको सुरक्षित रखे और वो विश्वास में मजबूत रहे और परमेश्वर उस गांव में बड़ा काम करे। तो आप सभी को जय मसीह की मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले के लिए प्रार्थना करें, आने वाले दिनों में परमेश्वर वहां काम करे। आप सभी को जय मसीह की प्रेज लॉर्ड।